ಹರಿಸಿ ಹತ್ತು ಮೂರು ನೂರು ಬಾವಿ ಕೆರೆಯ ತುಂಬಿಸಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಹಮೀದ ದೌಸ ಪುರಿಯಂಕ ಪ್ರಾಂತಗಳೇ ಈ ತಪಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ फिर 3000 कुआओं और तालाबों को शुष्क से जलपूर्ण बनाया गोविंद गोपाल हमीद दौसा पुरियों को राजेंद्र सिंह ने बसाया मुनि प्रोक्त कथा भक्त्या जनसेवाम समाचरन ऋषि प्रीतिम गुरोह प्रीतिम देव प्रीतिम अवाप्तवान परेदिहि ऋषि गुरु देवर प्रीतिया जनगल सेवेय माडुतली तिलिदवराडिद मातनु नंबी पोरिद मार्गदि नडियुतली बताए मार्ग पर भक्ति से जनसेवा का आचरण किया ऋषियों की गुरुओं की और देवताओं की प्रीति का अर्जन किया अतस्तम मैक्सेसे मुख्य प्रशस्ति भी अलंकृतम पूर्ण प्रमति रप्येशा सम्मानयति सम्मुदा मैक्सेसे वरगिन प्रशस्ति गणनु पदेर्प राजेंद्र सिंगरनु पूर्ण प्रमतियु सम्मानिसुतिते संतस गौरव सडगरति इसीलिए आप रामन व मैक्सेसे मुख्य पुरस्कार से अभिलंकृत हुए पूर्ण प्रमति भी आपको सम्मानित करने में अत्यंत हर्षित हुए भूयात् राजेंद्र सिंहस्य नित्यश्री ही नित्यशो जयः इति डी प्रह्लाद आचार्यः अध्यक्षः पूर्ण प्रमति ही सत्य स्थान परम पूज्य श्रीपादंगलवरु शालुपति शुभ मूलक सम्मानिसी ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಚಾರ್ಯರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಜಗಿಯವರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ
ಮತ್ತೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಪಕ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ पूज्य स्वामी जी श्रद्धे व्यासपीठ और इस हॉल में बैठे भाई और बहनों मैं आज बहुत मिश्रित अनुभव कर रहा हूं एक तरफ मुझे भागीरथ कह के सम्मानित करना आनंदित करता है गौरवान्वित करता है शक्ति देता है दूसरी तरफ आज इस देश में एक भी नदी बची नहीं है जिसे नदी कह सके जिसका पानी उठा के पी सके आचमन कर सके इस देश के पिछले 10 वर्षों से मैंने लगभग सारी नदियों को जाके देखा है कहीं भी कोई नदी ऐसी नहीं बची जिसके जल से आचमन किया जा सके उसको पिया जा सके और नदियों को नदी कहा जा सके आपका बंगलोर शहर इसकी अरकावती नदी उसको नदी कहना ही मन को हिम्मत नहीं देता एक तरफ भारतीय ज्ञान तंत्र की शक्ति समझ जिस समझ से आज भी उजड़े हुए हजारों गांव हजारों बेपानी हुए गांव अपनी समझ से अपनी शक्ति से बिना किसी सरकारी मदद के बिना किसी बाहरी मदद के अपने संगठन से अपनी मरी हुई नदियों को जिंदा कर लेते हैं उजड़े हुए लाचार बेकार और बीमार लोग पानीदार बन जाते हैं दूसरी तरफ जिनके पास बहुत कुछ है शक्ति है पैसा है साधन है वो सारे साधन हमें विकास कहकर हमारा विकास कहकर हमारे जीवन के आधार को प्रदूषित करने में अपने को सबसे बड़ा बनाते हैं आज शोषण करने वाला प्रदूषण करने वाला और अतिक्रमण करने वाला ही सबसे बड़ा है आज इस देश में सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं लोगों को मिलता है जो हमारी नदियों पर प्रदूषण करते हैं जो हमारी नदियों का शोषण करते हैं खनन करके माइनिंग करके और जो हमारी कॉमन प्रॉपर्टी को हमारे साझे संसाधनों को हमारे जीवन के आधार को पानी को पंच महाभूत को अतिक्रमण करते हैं आज ये देश उनको सम्मान दे रहा है ये सम्मान इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारी शिक्षा वैसी है मैंने आज पूर्ण परमति के इस वार्षिक अवसर पर आकर बच्चों की जिस तरह की समझ और शिक्षा
और संस्कार और व्यवहार और अपने अंदर के कौशल को दूसरों को दिखा के सिखाने की शक्ति देखी, उससे मुझे बहुत भविष्य, हमारा उज्जवल भविष्य, हमारा कॉमन फ्यूचर चमकता हुआ दिखता है। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों ने सृष्टि को शोषण करने वाले, लूटने वाले और सृष्टि को विनम्रता से पोषित करने वाले, भारतीय संस्कृति नदियों को यदि मां कहती थी तो भारतीय संस्कृति में पोषण का सम्मान था। आज भारत की सभ्यता में पोषण का सम्मान नहीं बचा, आज सम्मान है शोषण का। जो शोषण करता है उसको सम्मान मिलता है। आज पोषण करने वाली मां को सम्मान नहीं बचा। हम मां कहते हैं उसको, लेकिन मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना के अपनी मां के साथ, उसके साथ हमारा व्यवहार और संस्कार मैला ढोने वाली मालगाड़ी जैसा बन गया है। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि पूर्ण परमति जैसी शिक्षा संस्थान इस देश को आज जरूरत है। जो भारतीय आस्था और सृष्टि की रक्षा करने वालों को सम्मान देने का संस्कार पैदा करती है। जिन बच्चों ने अभी मंच पर, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से सृष्टि के संरक्षण में भारतीय आस्था को, वो भारतीय आस्था जिसके कारण भारत ग्लोबल टीचर था, जगत गुरु था, दुनिया का गुरु था। भारत दुनिया का गुरु ऐसे ही नहीं बना था। भारत की समझ में, भारत के ज्ञान तंत्र में, भारत की शक्ति में देवताओं का, देने वालों का सम्मान था और लेने वाले और शोषण करने वाले का अपमान था। आज हमने लेने वाले को, लूटने वाले को अपमान करना बंद कर दिया। जिस दिन ये देश दोबारा से शोषण करने वालों का अपमान करना शुरू करेगा, तब इस देश के अंदर श्रम निष्ठा से बनी सृष्टि को संपोषित करने वाली व्यवस्था को दोबारा से सम्मान मिलेगा और ये भारत देश दोबारा जगत गुरु बन सकेगा। दोस्तों, मुझे आज वहां बैठे बैठे जो एहसास हो रहा था, वो एहसास और अभिप्राय मैं आपके सामने रखता हूं। मैं बहुत तल्लीनता से इस मंच पर जो भी दिखाया बच्चों ने, उसके बहुत सारे डायमेंशन, उसके बहुत सारे पक्ष देख रहा था। मैं उसके बहुत सारे आयामों को तलाश रहा था कि ये बच्चे बड़े बनने के बाद कौन सा रास्ता चुनेंगे, ये बच्चे बड़े बनने के बाद क्या करेंगे इस देश के लिए। मुझे लगा कि ये बच्चे एक तरफ भारतीय ज्ञान तंत्र को अपने व्यवहार में, अपने संस्कार में, अपनी समझ से और शक्ति से जीने का रास्ता, जीने की पद्धति, और उस जीने की पद्धति में दोबारा से भारत को ग्लोबल टीचर बनाने का यही रास्ता मुझे दिखता है। एक बात रास्ता यही है कि यदि इस जगत को, इस दुनिया को, इस सृष्टि के सारे जीव जगत को यदि ये समझाना है, तो इस धरती और इस प्रकृति और इस सृष्टि के साथ हमारे लेने और देने के रिश्ते, इस सृष्टि से लेने और देने के रिश्ते प्रेम के, प्यार के, सम्मान के, बराबरी के, सादगी के, सरलता के, सहजता के बनेंगे,
तो ये भारत दोबारा से जगत गुरु इसी शिक्षा व्यवस्था से बन सकेगा। मैं परम पूज्य स्वामी जी से और इस पूर्ण परमति संस्थान के श्रीनिवास जी और उनके सब साथियों से बस इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं कि जिस समझ से तुमने इस संस्थान को शुरू किया है, इस समझ को संपूर्णता के रास्ते पर लेके जाने के लिए कॉन्टिन्यूटी चाहिए, सातत्य चाहिए। सातत्य के बिना समग्रता हमें हाथ नहीं आती, सातत्य से हमें समग्रता मिल जाती है। और समय की सिद्धि और समय की सफलता सातत्य से ही प्राप्त होती है। इसलिए ये जो मैं आज आपने जिस कौशल को दिखाया है, इस कौशल को आप सातत्य के साथ, संकल्प की सिद्धि के साथ आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि ये शुरुआत शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा के तंत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का रास्ता खोलेगी। ठीक इसी तरह से राजस्थान में तरुण जल विद्यापीठ नौजवानों के लिए पानी का ज्ञान, पानी का दर्शन और पानी का संस्कार समझने के लिए हमने एक शुरुआत की थी। दोस्तों, हम ये मानते हैं कि ऐसी शुरुआत में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन इन समस्याओं से डरे बिना ये संस्थान आगे बढ़े। बस मेरा आज का अभिप्राय तो यही है कि ये शिक्षा का संस्थान अपने सातत्य के साथ आगे बढ़े, और इसमें मैं भी कुछ काम आ सका तो ज़रूर तुम्हारे काम आऊँगा। बस